दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आईटी अड्डा। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। इस विंडोज सर्वर 2025 की सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि आप विंडोज सर्वर 2025 में पावर शेल यूटिलिटी को यूज करते हुए आप अपने कंप्यूटर में हाइपर वी की सर्विस को कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं, इसको कैसे वेरीफाई करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टारगेटिव वीडियो पावर शेल यूटिलिटी को लेके है, जिसमें आज हम स्क्रिप्ट के बिहाफ पे ये सीखेंगे कि आप अपने विंडोज सर्वर 2025 रनिंग मशीन में हाइपर वी की सर्विस को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो बहुत ज्यादा डिले न करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल हम वीडियो के प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपली यदि आपको पावर शेल यूटिलिटी यूज करते हुए हम यहाँ पे यदि हाइपर वी की सर्विस इंस्टॉल करना चाहते हैं, हाइपर वी एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जो कि विंडोज की अपनी खुद की इंटीग्रेटेड या फिर ये कहे कि प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजी है, जिसके अकॉर्डिंग क्लाउड में इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है हाइपरवाइजर, उसको यूज करते हुए पूरा का पूरा एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड है। और विंडोज में ये पर्टिकुलर फीचर हाइपर वी के नेम से आता है, जिसके अकॉर्डिंग आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आप चला रहे हैं तो वहां पर भी आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, पूरे पूरे कंप्यूटर की क्लोनिंग कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ स्टेप बाय स्टेप। यदि आप इसमें विंडोज सर्वर 2025 में या 22 में या 2019 में यदि आप पावरशेल यूटिलिटी को यूज करते हुए हाइपर वी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपली आप स्टार्ट मेन्यू जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में आपको यहाँ पे पावर शेल, विंडोज पावर शेल नेम का ये ऑप्शन नजर आ जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसे एक्सप्लोर कर लेना है माय डियर फ्रेंड्स। और एक्सप्लोर करने के बाद आपको जो कमांड टाइप करनी है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम ये स्टेटस वेरीफाई करेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में विंडोज में हाइपर वी की सर्विस रनिंग है, अवेलेबल है, नहीं है, क्या स्थिति है, इस चीज को वेरीफाई करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक कमांड चलानी है माय डियर फ्रेंड्स, गेट हाइफन विंडोज फीचर वन स्पेस हाइफन, आपको यहाँ नेम टाइप करना है जो कि कमांड का पार्ट है, और उस पर्टिकुलर सर्विस का नेम लिखना है जिसको आप चेक करना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैं हाइपर वी को चेक करने वाला हूं। तो यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर कमांड को लिख के माय डियर फ्रेंड्स एंटर प्रेस करेंगे, ये कुछ डेटा कलेक्शन करेगा। डेटा कलेक्शन के बाद सबसे पहले डिस्प्ले करेगा कि जिस सर्विस को आपने वेरीफाई किया है दैट इज हाइपर वी, जिसका नेम है हाइपर वी, मतलब दैट इज अ सर्विस एंड द सर्विस नेम इज हाइपर वी, और साथ में इसका जो इंस्टॉलेशन स्टेटस है वो अवेलेबल है। अवेलेबल का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके इस पर्टिकुलर विंडोज रनिंग मशीन में यह सर्विस है तो, बट अभी इंस्टॉल नहीं है। तो ये कमांड आपको वेरीफाई करके देगी माय डियर फ्रेंड्स यदि आपके कंप्यूटर में ये पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल है और, तो वो दिखाएगा, और यदि यहां पे इंस्टॉल है तो इंस्टॉल्ड का यहां पे स्टेटस आएगा। अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, और यहां पे इस पर्टिकुलर पावर शेल यूटिलिटी को यूज करते हुए अपने कंप्यूटर में हम हाइपर वी इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको कमांड चलानी माय डियर फ्रेंड्स, इंस्टॉल हाइफन विंडोज फीचर वन स्पेस हाइफन, आपको वही देना है नेम, वन स्पेस जो सर्विस आप इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नेम दे देंगे। तो मेरे केस में हाइपर वी इंस्टॉल करने वाला हूं, वन स्पेस हाइफन, आप सिर्फ सर्विस नहीं इंस्टॉल करेंगे, आप इसके मैनेजमेंट टूल को भी इंस्टॉल कर लेंगे जिसके द्वारा आप जाके वर्चुअल मशीन्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो जो ग्राफिक का विजार्ड खुल के आता है वो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट टूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग जाके आप अपनी वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फिगर करते हैं, पूरा का पूरा ओवरऑल वर्चुअलाइजेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे उस पूरे के पूरे टूल को इंस्टॉल करने के लिए इंक्लूडिंग मैनेजमेंट टूल्स और आपको लिखना पड़ेगा, इंक्लूड मैनेजमेंट टूल, यहां पे मैनेजमेंट टूल्स और आप लिखेंगे वन स्पेस, क्योंकि ये सर्विस जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना ही पड़ता है, तो बेसिकली यहां पे आप रिस्टार्ट जरूर प्रेस करेंगे। क्योंकि रिस्टार्ट यहां पे मैं अपने कंप्यूटर के केस में नहीं दे रहा हूं, रीजन ये है कि यदि इस पर्टिकुलर रिस्टार्ट की कमांड को मैं अभी रन करा देता हूं तो मेरे कंप्यूटर की ये जो वीडियो कैप्चरिंग हो रही है बेसिकली वो
बाधित हो जाएगी। इस वजह से मैं सिंपल अभी आपको यहाँ पे सिंपली सर्विस को इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, रिस्टार्टिंग बाद में करूंगा मैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके कंप्यूटर में सर्विस जो है वो इंस्टॉल हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में बेसिकली पावरशेल यूटिलिटी को यूज करते हुए माय डियर फ्रेंड्स हाइपर वी की सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आपने वन स्पेस हाइफन करके रिस्टार्ट लगा दिया तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन कर गई है। आपको रिस्टार्ट रिक्वायर्ड है और मैंने रिस्टार्ट इसलिए नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि मेरी वीडियो जो है यहाँ बाधित हो जाती, तो आपको यहाँ पे यू मस्ट रिस्टार्ट दिस सर्वर टू फिनिश द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मतलब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को तभी डन कर पाएंगे जब आप एक बार सक्सेसफुली रिस्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप अपने कंप्यूटर में हाइपर वी को यूज करते हुए, सॉरी पावरशेल यूटिलिटी को यूज करते हुए कमांड मोड में किस तरीके से आप यहां पर हाइपर वी की सर्विस को इंस्टॉल कर पाएंगे, ये बहुत ही इजी स्टेप्स है, बहुत ही आसान सा तरीका है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। सिंपली आप भी जब करेंगे तो आप यहाँ पे टूल के सामने, यहाँ जो कमांड आपने रन कराई है टूल्स के सामने वन स्पेस हाइफन रीस्टार्ट की कमांड यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे तो सर्विस इंस्टॉल होते के साथ ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट भी हो जाएगा और रीस्टार्ट होने के बाद सक्सेसफुली आपके कंप्यूटर में ये सर्विस इंस्टॉल होके रनिंग मोड में आपको मिलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में सर्विस एग्जिस्ट करने लगी, इंस्टॉल हुई नहीं? तो आप यहां देख सकते हैं स्टेटस जो है वो इंस्टॉल्ड का आ रहा है। इससे पहले इंस्टॉलेशन जो स्टेटस था हमारा वह अवेलेबल था, यहां पर स्टेटस हमारा इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर कमांड ने आपको हेल्प किया हमारे डियर फ्रेंड्स कि आप पावरशेल यूटिलिटी को यूज करते हुए कैसे आप अपने कंप्यूटर में, विंडोज रनिंग मशीन में हाइपर वी की सर्विस को इंस्टॉल कर पाएंगे। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा कि आप विंडोज सर्वर 2025 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन एडिशन को यूज करते हुए, इसमें आप पावरशेल यूटिलिटी को यूज करते हुए हाइपर वी की सर्विस को किस तरीके से आप चेक करेंगे, देन आफ्टर इंस्टॉल करेंगे, अगेन आप चेक करेंगे कि आपके कंप्यूटर में सर्विस इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। सो इसी तरीके से बहुत ही सारी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहती हैं। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर के सारे वीडियोस अवेलेबल हो सके। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर आप प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप आई होप सो कि आप कमेंट भी करें और वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर भी करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेहतर एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।